तो अभी ये भाग टू है, प्रायद्वीपीय भाग टू, ठीक है। हम पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय पठार, तो कल बहुत सारी चीज छूट गई, अभी आज मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो कल मैंने आपको यहाँ पे ये नहीं बताया कि ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, ठीक है। गुजरात में कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि गुजरात के किस शहर से ये स्टार्ट होता है और दिल्ली में कहाँ खत्म होता है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, गुजरात में पालनपुर से लेके, गुजरात में पालनपुर से लेके दिल्ली में मजनू टीला, गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली के मजनू टीला तक इसका एक्सटेंशन है, ये विस्तार है यहां से यहां तक 800 किलोमीटर तक, ठीक है। हाँ, तो कल का थोड़ा सा ये छूट गया था, तो इसको मैंने आपको बता दिया, आप इसको नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या क्या एक्सप्लेन कर लिया था, अरावली पर्वत एक्सप्लेन कर लिया था, मालवा का पठार एक्सप्लेन कर लिया था, ठीक है। अब हम आगे चल के अब हम देखते हैं कि विंध्य पर्वत, सतपुड़ा, छोटा नागपुर का पठार, इसको क्या बोलते हैं, मेघालय का पठार, ठीक है। नाम आप याद रखिए, नाम भूलना नहीं है, मेघालय का पठार या शिलांग का पठार, ये क्या है, दंडकारण्य पठार, ठीक है। यहाँ पे दक्षिण पठार, ये क्या है, अन्नामलाई, ठीक है, ये सॉरी नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम इलायची, ठीक है, या इलायची पानी कार्डेमम। आज हम इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं और इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कल इन दोनों देख लिया था, अब हेडिंग डालिए विंध्य पर्वत, ठीक है, हेडिंग डालिए विंध्य पर्वत। तो विंध्य पर्वत जो है वो पूरी तरह से कहां पे स्टैब्लिश है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसलिए मैंने बोला आपको एटलस खरीद लीजिए, अगर आप एटलस खरीद लोगे तो आपको देखिए यहाँ पे एटलस में आपको दिखाई देगा इसको, अगर पूरी तरह से आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ पे एटलस में पूरी तरह से दिखाई देगी कौन सी जगह कहाँ पे, बट अगर मैं समझा दूंगा तो बहुत ज्यादा आसानी होगी इसको समझने में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए और एटलस खरीद लीजिए। चलिए, तो आपने ये तीन तीन भाग जो हमारा विंध्य पर्वत है तीन भाग में बटा हुआ है, ठीक है, तीन भाग में। मध्य प्रदेश में इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। इन दोनों को भांडेर बोलते हैं, किस क्या बोलते हैं, भांडेर, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, इन दोनों पर्वत को मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, भांडेर, और इसको क्या बोलते हैं, कैमूर, क्या बोलते हैं, कैमूर। लिख लीजिए आप इसको, पहला पॉइंट हो गया आपका विंध्य पर्वत का, कि इन दोनों को मध्य प्रदेश में भांडेर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कैमूर बोलते हैं, कैमूर के नाम से जाने जाते हैं। विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत पे ही यहाँ पे आप देखोगे तो नर्मदा की भ्रंश घाटी है, ठीक है। मैंने आपको दो रिवर बताया था पिछले लेक्चर में कि नर्मदा और तापी रिवर ऐसी रिवर है जो कि अरब सागर की साइड पे बहती है, ठीक है, ना कि किसके साइड पे, बंगाल की खाड़ी पे, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो विंध्य पर्वत के साइड में के नीचे, ठीक है, विंध्य पर्वत के नीचे और सतपुड़ा पर्वत के उत्तर की तरफ और विंध्य पर्वत के दक्षिण की तरफ आप यहाँ पे देखो तो आपको ये रिवर मिलेगी, नर्मदा रिवर, ठीक है। ये नर्मदा रिवर का भ्रंश घाटी है और ये तापी रिवर का भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी का मतलब ये होता है कि दो माउंटेन्स रहेंगे और इस माउंटेन को ऐसे काट छाट के यहाँ से रिवर फ्लो करती है, ठीक है, ऐसे रिवर फ्लो करती है, ये रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भ्रंश घाटी, ठीक है। दो माउंटेन्स के बीच की जगह अगर वो दब जाता है, नीचे की तरफ झुक जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी, और इसको पूरे को क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन, क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। चलो, अब अगला टॉपिक डालिए सतपुड़ा, अगला टॉपिक क्या डालेंगे, सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा पठार। अब सतपुड़ा में भी आपको यहाँ पे तीन पॉइंट तीन पर्वत दिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। सतपुड़ा का एक्सटेंशन कहाँ पे, पहले इसका एक्सटेंशन लिख लेते हैं, ठीक है। सतपुड़ा विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में है, ठीक है, और दक्षिण पठार के उत्तरी भाग में स्थित है। इनके तीन अलग अलग नाम है, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत के भी क्या क्या है, तीन अलग अलग नाम है, ठीक है। पहला नाम इनका क्या है, इस पर्वत को बोलते हैं राजपीपला, क्या बोलते हैं, राजपीपला, पहला है राजपीपला, दूसरा है महादेव और तीसरा है मैकल, ठीक है। चलिए, तो राजपीपला, महादेव और मैकल, ठीक है, ऐसे क्या है, तीन पहाड़ी हमारे पास है, किसमें, सतपुड़ा पे, ठीक है, सतपुड़ा पे तीन पहाड़ी के नाम क्या है,
ये तीन भाग में डिवाइड है, इनके भी तीन भाग में डिवाइड थे, इसको बंडेर बोलते हैं और इसको कैंगुरू बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैकाल है, ये महादेव है और ये राजपिपला है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे महादेव, तो महादेव की सबसे यहाँ पे बहुत सारी चोटियां हैं, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी एक चोटी है सबसे ऊंची चोटी, और यहाँ पे भी एक सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये सबसे ऊंची चोटी मैकाल, अगर पूछता है एग्जाम में कि मैकाल पे की सबसे, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी किसकी है या मैकाल किसका भाग है, तो सतपुड़ा रेंज का, ठीक है। मैकाल पे सबसे ऊंची चोटी क्या है, अमरकंटक, क्या है, अमरकंटक, ठीक है। और महादेव, महादेव की सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़, क्या है, ठीक है। तो महादेव की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़, और मैकाल पे क्या है, अमरकंटक। अब यही अमरकंटक, अमरकंटक इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिए आप, अमरकंटक जो है मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है, और अमरकंटक से ही दो रिवर निकलती है, पहला है नर्मदा रिवर और दूसरा है सोन रिवर। ये क्या था, चंबल, ठीक है, ये सिंध था, ये चंबल था, ये यमुना है, ये गंगा है, और ये सोन रिवर। सोन रिवर किसकी सहायक नदी है, एग्जाम में पूछा जाता है, सोन रिवर किसकी सहायक नदी है, गंगा रिवर की। तो सोन रिवर गंगा की सहायक नदी है, कहां से निकलती है, अमरकंटक। अमरकंटक किसकी चोटी है, मैकाल की। मैकाल किसका भाग है, सतपुड़ा रेंज का। तो सतपुड़ा में मैकाल पर्वत से सोन रिवर निकलती है, और नर्मदा रिवर अपने भ्रंश घाटी में बहते हुए विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के बीच में बहते हुए भ्रंश घाटी बनाते हुए कहां पे मिल जाती है, अरब सागर में, ठीक है। ये हो गई बात किसकी, सतपुड़ा के, मैकाल के, अमरकंटक की। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि ये पीर पंजाल है, सॉरी राजपिपला है, और ये महादेव है। तो महादेव की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। धूपगढ़ पे बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, आप वहां पे जाके घूम के आइए, बहुत ज्यादा एंजॉय करिए, बहुत ज्यादा अच्छा जगह है वो हिल स्टेशन, माउंटेन, सी माउंटेन पे है, ठीक है। क्या नाम है उसका, धूपगढ़, क्या नाम है, धूपगढ़। अब इसी धूपगढ़ से कौन सी रिवर निकलती है, तापी रिवर। कौन सी रिवर निकलती है, तापी रिवर। ये तापी रिवर देखो आप, यहां से तापी रिवर यहां से निकली और यहां से अपने भ्रंश घाटी में बहते हुए कहां पे मिल जा रही है, ठीक है। हाँ आप देखो ये ऐसा है, ये तापी रिवर फ्लो कर रही है, और ये मतलब कि जमीन की जो ये है, ठीक है, ढलान, ये किस तरफ है। देखो रिवर हमको क्या बताते हैं कि हमारी जमीन की स्थिति किस तरह से, हमारा जो भूढाल है, जो हमारी जमीन है वो किस तरह से, किस की ओर ढली हुई है, किसकी किसकी तरफ ढलान है उसका, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते थे तो हमको क्या दिखा कि ये बंगाल खाड़ी, ठीक है, पूर्व की तरफ क्या थी, झुकी हुई थी। ये पूरा का पूरा अर्थ हमारा पूर्व की तरफ झुका हुआ है, बट यहाँ पे कुछ कंडीशनल है, कुछ कंडीशंस हैं जिसके वजह से ये क्या है कि किसकी तरफ झुकी हुई है, किसकी तरफ झुकी हुई है, पश्चिम की तरफ, ठीक है। और नर्मदा और तापी रिवर कहां पे आके मिल जाती है, अरब सागर में, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कहां पे आके मिल गई, ठीक है, चलो अरब सागर में, दो रिवर, ठीक है। अगला हेडिंग डालिए आप लोग, दक्खन का पठार, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दक्खन का पठार है, ठीक है, ये पूरा का पूरा दक्खन का पठार है। पहला पॉइंट लिखिए दक्खन पठार में, दक्खन पठार की स्थिति सतपुड़ा के दक्षिण में पश्चिमी घाट के पूर्व में और पूर्वी घाट के पश्चिम के मध्य में स्थित है। क्या बोला मैंने, सतपुड़ा के दक्षिण में पश्चिमी घाट के पूर्व में और पूर्वी घाट के दक्षिण में मध्य में स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया तो आपका पहला पॉइंट, ठीक है। चलिए दक्षिण पठार पे भी पांच पहाड़ियां हैं, ठीक है, पांच पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों के नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछता है दक्षिण पठार के, अगर नाम दे दिया, बोलेगा कि बताइए ये किस किस पठार की पहाड़ी है, किस पठार की चोटी, तो आपको उसका नाम आना चाहिए, ठीक है। पहला हरिश्चंद, तो हरिश्चंद यहाँ पे है, ठीक है, लिख लीजिए इसको, सारे सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड पॉइंट है, पहला लिखिए हरिश्चंद्र, दूसरा अजंता, बालाघाट, ठीक, बालाघाट, अजंता, और फिर कबीलगढ़, ठीक है, यहां पे है कबीलगढ़, अजंता यहां पे है और ये कबीलगढ़ है, ठीक है, मैं लिखा देता हूं। पहला है हरिश्चंद्र,
दूसरा अजंता, बालाघाट, ठीक है, बालाघाट, कबीलगढ़, ठीक है, चार पहाड़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चार याद रखिए, हरिश्चंद्र, अजंता, बालाघाट और गबीलगढ़, ठीक है, ये चार हैं, हरिश्चंद्र, अजंता, बालाघाट और गबीलगढ़, ये चार इंपॉर्टेंट दक्षिण पठार के हैं, ठीक है, चार इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट आपने लिख लिया, ठीक है। अगला हेडिंग डालिए दंडकारण्य, इसका हेडिंग डालिए, अब इसके बारे में पढ़ते थोड़ा सा, दंडकारण्य पठार, ठीक है, दंडकारण्य पठार का एक्सटेंशन लिखिए, विस्तार लिखिए, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ से लेके ओडिशा तक है, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ तो कवर करता है आधे ज्यादा, बट ओडिशा में बहुत कम जगह ये कवर कर पाता है, ठीक है। और पहला पॉइंट क्या हो गया आपका, इसका एक्सटेंशन लिख लीजिए आप, छत्तीसगढ़ से लेके ओडिशा तक, ओडिशा में छोटा सा भाग है इसका, और इसी के ऊपर है बक्सर, ठीक है, सॉरी बस्तर, बस्तर का पठार, ठीक है, बस्तर का पठार जो कि दक्षिण में, यहाँ पे क्या नाम है उसका, अगर पूछा जाता है एग्जाम में बताइए कि बस्तर का पठार कहाँ पे है, तो बस्तर का पठार कहाँ पे है, दंडकारण्य पठार पे, दंडकारण्य का एक्सटेंशन कहां से कहां तक है, छत्तीसगढ़ से ओडिशा तक, ठीक है। तो ये हो गया आपके दंडकारण्य, ये यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा कम बनते हैं, इसलिए मैंने इनके ज्यादा पॉइंट नहीं लिखाए हुए हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कम पॉइंट्स है तो आप इसको थोड़ा सा सर्च मार के देख लीजिए, ठीक है, और भी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, बट मुझे नहीं लगा कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे या फिर बनते होंगे, इसलिए ये दो पॉइंट बहुत है, ठीक है, बस्तर का पठार, दंडकारण्य। अब हम चलते हैं छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, चलिए छोटा नागपुर का पठार देख लेते हैं, छोटा नागपुर का पठार क्या है, हेडिंग डालिए छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार हेडिंग डाल दिए, तो छोटा नागपुर का एक्सटेंशन कहां कहां से, इसका एक्सटेंशन है झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, झारखंड से पश्चिम बंगाल लिख लीजिए, छोटा नागपुर का जो एक्सटेंशन है, जो विस्तार है, कहां से, झारखंड से पश्चिम बंगाल तक है। अब यहां पे आप देख रहे हो दो रिवर निकल रही है, ठीक है, आप यहां पे देख रहे हो क्या, दो रिवर फ्लो कर रही है, पहला रिवर है दामोदर और दूसरा रिवर है स्वर्ण, ठीक है, पहला क्या है दामोदर और दूसरा क्या है स्वर्ण। आप यहाँ पे आप देख रहे हैं राजमहल पहाड़ी है, ये मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, राजमहल पहाड़ी, पूछा जाता है राजमहल पहाड़ी कहाँ पे है, तो आप क्या बोलेंगे, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी हिस्से पे, ठीक है। तो यहां से क्या निकल रहा है दामोदर और यहां से निकल रहा है स्वर्ण, ये जो दामोदर है ये किसकी सहायक नदियां है, हुगली की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हुगली, हुगली रिवर जो है वो गंगा रिवर का ही एक भाग है, गंगा रिवर जब गंगोत्री से निकलती है और बंगाल में मिलती है तो वहीं से छोटी छोटा सा भाग गंगा से ही अलग होके एक अलग डायरेक्शन में बहना स्टार्ट करता है, उस रिवर का नाम है हुगली, क्या नाम है, उस रिवर का नाम है हुगली। तो ये हुगली रिवर जो है यहीं से साइड से बहते हुए बंगाल की तरफ मुड़ जाती है, और उसी समय छोटा नागपुर के पठार से कौन रहता है, यहाँ से दामोदर, और वो जाके मिल जाता है हुगली से, ठीक है। अब ये है स्वर्ण रेखा, ये स्वर्ण रेखा भी कहाँ जा रही है, बंगाल में मिल जा रही है, ठीक है, ये कहाँ जा रही है, मिल जा रही है यहाँ पे, ठीक है। छोटा नागपुर, थर्ड पॉइंट, छोटा नागपुर का पठार खनिजों का भंडार है, छोटा नागपुर का पठार, अगर खनिजों की बात की जाए तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार नंबर वन पे है, क्योंकि छोटा नागपुर पठार में कोयले के बहुत बड़े बड़े खदान है, ठीक है, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें साथ में पाई जाती है कि जो अदर कहीं पे नहीं पाई जाती है। मैं आऊंगा खनिजों पे, जब मैं खनिज पढ़ाऊंगा पूरे भारत में, तो उस समय हम छोटा नागपुर पठार को एक अच्छे डिटेल में लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये बहुत बड़ा खनिज के उत्पादन का स्थान है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा खनिज पाया जाता है,
तो आप इतना लिख लीजिए कि छोटा नागपुर का पठार खनिजों का भंडार है, ठीक है। वो किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आपने ये देख लिया, ये दो रिवर यहाँ पे आके मिल जाएंगे, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार, अब एक मिनट और यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ना, ये जो है दामोदर और ये स्वर्ण रेखा, ठीक है, दामोदर यहां से निकलती है यहां पे जाती है, बट स्वर्ण रेखा क्या करती है, भ्रंश घाटी में बहती है। किसमें बहती है? भ्रंश घाटी में। कहां पे बहती है? भ्रंश घाटी में। छोटा नागपुर के पठार को क्या करती है, वो भ्रंश बना देती है। भ्रंश मैंने समझाया इस तरह के आकार में, जो भ्रंश बीच में से निकलती है उसको क्या, मतलब नदी निकलती है बीच में से, उसको क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी। तो हम लोगों ने देखा कि भ्रंश घाटी में तीन रिवर बहती है, पहला क्या है नर्मदा, दूसरा क्या है तापी, और तीसरा क्या देखा, स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण। ये तीनों रिवर किसमें बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। तो ये हो गया छोटा नागपुर पठार। अगला हेडिंग डालिए शिलांग का पठार या मेघालय का पठार। नाम डालिए शिलांग का पठार या हिमालय का पठार। ठीक है, एक पॉइंट और बच गया, छोटा नागपुर को पठार हम रूर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक पॉइंट और बच गया, छोटा, ये इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर पठार को रूर प्रदेश बोलते हैं। कौन सा प्रदेश बोलते हैं? रूर प्रदेश। ये रूर प्रदेश क्यों इसको रूर प्रदेश बोलते हैं बताइए? ये रूर प्रदेश जर्मन में एक जगह है, ठीक है, कहां पे है, जर्मनी में या जर्मन में एक जगह है जहां पे रूर प्रदेश है। उस रूर प्रदेश में पूरा का पूरा बहुत बड़े मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा खनिज का भंडार है वहां पे, तो उसको बोलते हैं वहां के जगह का नाम है रूर प्रदेश। तो भारत का रूर प्रदेश किसको बोलते हैं? छोटे नागपुर का पठार को। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। बताइए कि रूर प्रदेश किस पठार को बोला जाता है, तो किस पठार को बोला जाता है? छोटा नागपुर का पठार। या पूछ लिया किस लिए बोला जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार में खनिजों का भंडार है इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? रूस प्रदेश, ठीक है। और रूस प्रदेश ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि जर्मन में भी ऐसे रूस प्रदेश है जहां पे खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया छोटा नागपुर का पठार, आपने हेडिंग डाल दिया, ठीक है। चलिए आगे ये देखते हैं, देखो ये जो शिलांग पठार है मेघालय, ठीक है, शिलांग और मेघालय एक ही नाम है, इनको ही बोला जाता है। ये जो भाग है शिलांग का, ये प्रायद्वीपीय भाग का ही पार्ट है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। आपने नहीं देखा तो जाके वहां पे देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से वहां पे मैंने समझाया है, वहां पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो तो ये जो प्रायद्वीपीय भाग का पठार है ये इसी का एक भाग है, ठीक है। ये छोटा नागपुर का पठार है, आप यहाँ पे देख रहे हैं राजमहल, ठीक है, इसको अच्छे से थोड़ा बना लेते हैं। देखो हमारा पहले जो प्रायद्वीपी था ऐसे था, ठीक है, ये जो भाग मैंने बताया प्रायद्वीपीय है, ये यहाँ पे देख रहे हो ना, ये ऐसे आया हुआ है, ऐसे गया ऐसे, तो ये भाग है, ठीक है। उसके बाद ये भाग जो था ये बीच में कट हो गया और यहाँ पे गैप आ गया। जब यहाँ पे गैप आता है तो ये एक बन जाता है और ये अलग हो जाता है, ये अलग भाग, यही शिलांग का पठार है, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो शिलांग का पठार है ये किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, ठीक है। बीच में ये नदियों ने इसको क्या किया, भर दिया, ठीक है, इसके गैप को क्या क्या भर दिया। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर और तीस्ता रिवर जो सिक्किम से निकलती है, तीनों रिवर मिलके उस जमीन को पाट देती है, मतलब उसको गैप नीचे की तरफ दबा देती है, जिसके वजह से ये जो माउंटेन्स है ये बीच में गैप आ गया, और गैप आने की वजह से ये भाग यहाँ हो गया और ये भाग यहाँ हो गया, ठीक है। तो और ये भाग क्या बन गया, शिलांग का पठार, ठीक है। इनके तीनों के नाम मैंने आपको बताए थे, इसका नाम था गारो, इसका नाम था खासी और इसका नाम था जयंतिया, ठीक है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पांच पहाड़ियां हैं, पहला है गारो, दूसरा है खासी, तीसरा है जयंतिया और यहां पे चौथा और एक पांचवा, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे आपको यहां पे मिकिर और रेगमा, ठीक है, मिकिर और रेगमा नाम याद रखिए आप, ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेगमा, ये पांच पहाड़ी किसके, शिलांग पठार के ही भाग है, ठीक है। ये किसके भाग है, शिलांग पठार,
प्रायद्वीपीय भाग का पठार है। अगर पूछा जाता है कि बताइए सिलोन पठार पे छोटा सा नोट्स लिखिए या कुछ लिखिए, तो आपको यहाँ पे कितने पॉइंट बोलना पड़ेगा। पहला पॉइंट होगा कि सिलोन पठार जो है ये प्रायद्वीपीय भाग का ये पार्ट है, ठीक है। सिलोन पठार में 5 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं जिसमें से गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेगमा है, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको हाँ ये भी आप थर्ड पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भाग का पठार इससे अलग इसलिए हुआ क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर और तीस्ता रिवर तीनों ने मिलके इसके बीच वाले भाग को क्या किया, पाट दिया और दबा दिया नीचे की तरफ, जिसके वजह से इसका विभाजन हो जाता है। और इस गैप को क्या बोलते हैं, इस गैप को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था मालदा गैप, या क्या बोलेंगे राजमहल गारो, क्या बोलेंगे राजमहल गारो या राजमहल गारो बोलेंगे या फिर मालदा गैप बोलेंगे, राजमहल गारो गैप या मालदा गैप, ठीक है। अब गारो पे एक बहुत महत्वपूर्ण चोटी है, ठीक है। गारो पे क्या है, गारो पे ही एक महत्वपूर्ण चोटी है। उस गारो पे चोटी का नाम क्या है, नोगरे, क्या है नाम याद रखिए नोगरे, ठीक है। गारो पे ही एक ऊंची चोटी है, उस चोटी पे उस चोटी का नाम क्या है, नोगरे, ठीक है। ओके, तो गारो के ऊपर जो चोटी है नोकरेक, अगर पूछता है नोकरेक किसकी चोटी है, तो आप क्या बोलेंगे गारो की। गारो कहाँ स्थित है, सिलोन पठार में। सिलोन पठार किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार में, ठीक है। तो एक दूसरे को कनेक्ट करके अगर आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये सब जो नाम है, ठीक है, ये कोई भी बायहार्ट नहीं करना है इसको, ठीक है। थोड़ा अगर आप 3-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाता है, ठीक है, एक प्रकार से बायहार्ट ही हो गया। अगर आप इसको 3-4 बार पढ़ेंगे, एक जगह आप लिख लीजिए इसको, बार बार पढ़ते रहिए, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेगमा, ठीक है। फिर आप बोलते रहिए गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नोगरे, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीनों का नाम आप बोलते रहिए, इनके सतपुड़ा के 3 पीर बंजार, ठीक है, इनका नाम महादेव, ठीक है, ऐसा मैकाल, कैमूल, ठीक है, तो ऐसे भंडेर, तो आप ऐसे नाम बोलते चले जाइए, आपको याद होते चले जाएगा। एक दिन अगर 2-3 बार आप करते हैं, अगले दिन फिर से दौड़ के करते हैं, तो कोई कठिन नहीं है इसको नाम को याद करना, और ये आसानी से याद हो जाते हैं। तो आप नोट्स को प्रॉपर ढंग से, जब मेरा आप नेक्स्ट लेक्चर देखते हो तो उसके पहले के नोट्स को रिवाइज करके आया कीजिए, क्योंकि अगर आपको पहले के नोट्स नहीं याद रहेंगे तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है इस नोट्स को समझने में, ठीक है। तो जब मैं अगला लेक्चर लूंगा, ठीक है, तो आप पहले उस पुराने नोट्स को एक बार रिवाइज करेंगे 2-3 बार, जब तक आपको याद नहीं हो जाता तब तक आप नेक्स्ट वीडियो प्ले नहीं करेंगे। जैसे आपको याद होता है आप नेक्स्ट वीडियो प्ले कर सकते हैं। और एक चीज, अगर कुछ डाउट होता है दोस्तों तो बेहिचक मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट पढ़ूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि वो उन कमेंटों को क्या करूं, सुधारू, जो आप मुझे सजेस्ट करोगे उस चीजों को मैं अपने अंदर इम्प्लीमेंट करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को लेके। यहाँ तक तो मैंने कवर कर लिया, बस यही 2 बज गया है। इसके बाद ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए मैं क्या करूंगा इसको एक अलग वीडियो में सेपरेटली अच्छा खासा वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को भी आप देखिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। फिर मैं रिवर पे आऊंगा, फिर खनिज पे आएंगे, बिजली पे आएंगे, उद्योग धंधे, सारी चीजें, रेलवे, जितनी भी सारी चीजें हम सब देखेंगे, ठीक है, कि खनिज किस तरह के यहाँ पे पाए जाते हैं, वो सारी चीजें भी हम क्या करेंगे यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा प्रायद्वीपीय पठार। आप नोट्स को बनाते रहिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं ये नहीं बोलूंगा, ठीक है, सब्सक्राइब मत कीजिए आप, बट उन बच्चों को जरूर शेयर कीजिए जिसको इनकी ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप प्लीज शेयर कीजिए, लोगों तक इसको पहुंचाइए, ठीक है। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उनको, तो कम से कम वो देखेंगे, ठीक है, तो उनको कुछ फायदा हो जाएगा, ठीक है। चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक नया टॉपिक लेके। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।